नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। फिलहाल जयपुर, सोमवार को राजधानी जयपुर के गंगा पोल इलाके में स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं सड़कों पर उतरी और सुभाष चौक थाने का घेराव किया। थाने का घेराव करते हुए छात्राओं ने जबरदस्त नारेबाजी स्थानीय विधायक बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ की। छात्रों का आरोपी कि जिस तरह से एनुअल फंक्शन के मौके पर हम लोगों की तरफ से स्थानीय विधायक बालमुकुंद आचार्य को बुलाया गया था, उन्होंने यहाँ पर आकर हमारे हिजाब को लेकर बातें की, धार्मिक नारे लगवाए, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। शिक्षा के मंदिर में हिंदू मुसलमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तीन छात्रों के साथ उनके परिजन बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे, कार्रवाई की मांग करने लगे। इस दौरान पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, वहीं समझाइश का दौर जारी रहा, लेकिन छात्राओं का कहना था जब तक FIR दर्ज नहीं होगी तब तक यहाँ से जाने वाले नहीं है। दिक्कत सबसे ज्यादा मोहसिन को हो रही होगी, दुकानदारी मर गई इसकी।
और दूसरा दार्जिन डाल बल्कि दो आरोपी लड़के लगा खबर ली जाए चप्पल के नाम जो भी दुश्मन निकाले और अब हमारी जो संभव है नहीं है तो बाबा माँ से मांगे आप महिला हो ना मैडम की महिला है डी सी पी है ठीक है ना थोड़ा पीछे हो ना भाई थोड़ा पीछे हो आपकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है कि हम पॉलिटिक्स में खड़े होकर एक नेता होके नेता कौन होता है जो सब बोलो आप बोलो बंद कर दो